तो हेलो फ्रेंड्स, आज आप इन दोनों से मिलिए। यो मिरेन, इसे कम मत समझना, तोप है ये, सभी चीजों में परफेक्ट, और ये पेशे से एक वकील है। ये लड़कों से बहुत नफरत करती है, इसने अभी तक 100 लड़कों को डेट किया है। ये डेट करती है तो सिर्फ और सिर्फ लड़कों को सबक सिखाने के लिए। ये है नाम कांग हो, पेशे से एक एक्टर है। ये लड़कियों से नफरत करता है। इसकी राय है कि लड़कियां बस अपना फ़ायदा देखती है, और जब उनका फ़ायदा लड़कों से पूरा हो जाता है तो वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। ड्रामे का नाम लव टू हेट यू है। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है और ये एक रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामा है। इसके टोटल 10 एपिसोड है और ये 55 मिनट और 1 घंटे के हिसाब से है। इसमें मेन लीड किया है किम ओ के बिन ने यो मिरेन बनकर और त्यो यू ने नाम कांग हो बनकर। और इसकी स्टोरी लाइन, मिरेन एक छोटे से लॉ फॉर्म में काम करती थी जो कि उसके दोस्त की थी। एक दिन वो अपने क्लाइंट के सिलसिले में पुलिस स्टेशन आई थी और वहीं हमारा हीरो नाम कांग हो था, जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर लड़कियों की बुराई कर रहा था। मिरेन उसे सुन लेती है और तभी से ही कांग हो उसकी नज़र में चढ़ जाता है। मिरेन अपने पुराने लॉ फॉर्म को भी छोड़ देती है क्योंकि उसका दोस्त भी एक नंबर का चीटर निकलता है। मिरेन दूसरे बहुत से लॉ फॉर्म में इंटरव्यू देती है पर सब में वो रिजेक्ट हो जाती है। फिर वो गिलमू लॉ कॉरपोरेशन में इंटरव्यू देने जाती है और वहाँ के VIP क्लाइंट में से हमारा हीरो नाम कांग हो भी आता है। उसे देखकर मिरेन अपने पैर से उसे फंसाकर गिरा देती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। गिलमू में मिरेन लड़की होने की वजह से सेलेक्ट हो जाती है। नाम कांग हो को मिरेन पर शक होता है कि उसी ने उस दिन उसे गिराया था। नाम कांग हो उससे पूछता है कि उसने उस दिन उसे क्यों गिराया था और नौकरी से निकाल देने को कहता है। गिलमू में रहने की वजह से मिरेन झूठ बोल देती है कि वो उससे प्यार करती है और उसकी बहुत बड़ी फैन है। हंसने वाली बात तो यह है कि कांगो भी उस पर यकीन कर लेता है। कांगो की मूवी के लिए उसे एक अच्छा फाइटिंग सिखाने वाला कोई चाहिए था और मिरेन उसके लिए एकदम परफेक्ट थी। मिरेन के साथ रहते रहते कांगो को जो लड़कियों के प्रति जो नफरत थी वो थोड़ी कम होने लगती है। मिरेन की भी जो लड़कों के प्रति जो नफरत थी वो कांगो को देखकर कम होने लगती है। कांगो को एक प्रॉब्लम होती है कि उसे लड़कियों को किस करने या हग करने से एंजाइटी और उल्टियाँ होने लगती थी, पर जब उसने मिरेन के बर्थडे पर उसे किस किया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसी टाइम एक न्यूज़ आ गई कि कांगो एक गे है। उसका चक्कर उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा है। इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए कांगो और मिरेन ने एक एग्रीमेंट साइन किया डेटिंग का, जो 3 महीने का था, और वो दोनों का किस वाला पिक्चर भी वायरल करा दिया। अब आगे क्या होगा? क्या फेक डेटिंग रियल डेटिंग में बदल पाएगी? ये तो आपको ड्रामा में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी कर देना।